गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे दैट इज यूरेटर्स, एनाटॉमी ऑफ यूरेटर्स डिस्कस करेंगे। दो लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। सो आज पहले लेक्चर में बिगिन करते हैं। इंट्रोडक्शन में एज यू कैन सी इन दिस फिगर, आप देख सकते हैं कि यूरेटर्स क्या है। यूरेटर्स जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि किडनी से यूरिन को कन्वे करते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। तो अगर डिफिनेशन लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में डिफाइन करना है, देन यू शुड डिफाइन यूरेटर्स एज अ पेयर ऑफ मस्क्यूलर ट्यूब्स और अ पेयर ऑफ नैरो मस्क्यूलर ट्यूब्स विच कन्वेज यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। ये सफिशिएंट डेफिनेशन होगा। इसके साथ डायमेंशन भी मेंशन कर सकते हो डेफिनेशन में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली लेंथ का अगर बात करें तो इट विल बी अराउंड 25 सेंटीमीटर्स और 10 इंचेस। तो 10 इंच का जो ये लेंथ है, ये ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द एब्डोमिनल पार्ट एंड द अदर इज द पेल्विक पार्ट। अलोंग द कोर्स ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। लगभग 5 इंच द टॉप और अपर 5 इंचेस इज द एब्डोमिनल पार्ट एंड द लोअर 5 इंचेस इज द पेल्विक पार्ट। सो ये तो लेंथ का बात हुआ एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सो डायमीटर भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इसका डायमीटर है या 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर है, जो कि 3 नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में थोड़ा स्लाइटली नैरो डाउन होता है, नहीं तो जनरली यूनिफॉर्म रहता है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ दिस यूरेटर। कोस का बात करें, कोस से पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि किडनीज अपन ने पढ़ा था पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड रहते हैं, वैसे ही इसके सिचुएशन भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ही है, बिहाइंड द पेरिटोनियम, रेट्रोपेरिटोनियली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में रहता है। एंड कोस अगर आप देख सकते हो उस फिगर में, सो लेफ्ट साइडेड जो फिगर है, तो यहाँ पे आप कोर्स आराम से ट्रेस कर सकते हो कि जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहे हैं L2, L3, L4, L5 वर्टिब्रे के, तो अलोंग दिस ट्रांसवर्स प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रीनल पेल्विस, हमने किडनी में डिफाइन किया था। तो रीनल पेल्विस जो है ये फनल शेप्ड पेल्विस है जो रीनल साइनस से स्टार्ट होता है, ये ही रीनल पेल्विस आगे कंटिन्यू होकर यूरेटर फॉर्म करता है। तो दिस ब्रॉड फनल शेप्ड इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ यूरेटर इज नोन एज रीनल पेल्विस, एंड एज इट रीचेस द लोअर पोल ऑफ ईच किडनी, तो आप देख सकते हो कि ये नैरो डाउन हो गया। तो स्पॉन्टेनियसली ये धीरे धीरे ग्रेजुअली नैरो होता रहता है और एट द लोअर पोल ऑफ वो किडनी दिस इज डिफाइंड एज यूरेटर प्रॉपर। तो ये यूरेटर प्रॉपर जो है ये फर्दर और अपने कोर्स में डाउनवर्ड्स रन करता है एंड टूवर्ड्स मीडियल ऑन द सोवास मेजर मसल रन करता है। सोवास मेजर मसल जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है, ओरिजिन जिसका एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ द ऑल L1, L2, L3, L4 एंड L5 यानी लंबर वर्टिब्रीज से होता है। तो पिछले प्रीवियस फिगर में आप देख सकते हैं दिस वन, ये दिस ग्रीन कलर्ड मसल इज सोवास मेजर मसल एंड ऑन दिस सोवास मेजर मसल ये मीडियली रन कर रहा है, मीडियली टूवर्ड्स मीडियल प्लेन ये यूरेटर रन करते हुए नीचे डाउनवर्ड्स आ रहा है। सो नीचे मीडियली रन करते हुए आ रहा है और लेसर पेल्विस में या फिर ट्रू पेल्विस में एंटर कर रहा है। अब आप राइट साइड फिगर में देख सकते हैं ट्रू पेल्विस में एंटर कर रहा है, लेसर पेल्विस में एंटर कर रहा है एट द लेवल वेयर कॉमन इलियक आर्टरी टर्मिनेट हो रही है। दिस इज कॉमन इलियक आर्टरी एंड इट इज टर्मिनेटिंग और डिवाइडिंग इनटू एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। सो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड हो रहा है, जहां पे जिस पॉइंट पे कॉमन इलियक आर्टरी, वहीं से यूरेटर ट्रू पेल्विस और लेसर पेल्विस में एंटर कर रहा है। देन इट विल रन डाउनवर्ड्स, यू कैन सी डाउनवर्ड्स के साथ साथ स्लाइटली बैकवर्ड्स और लेटरली रन कर रहा है अलोंग द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच। इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच से लेटरली रन करते हुए इन फ्रंट ऑफ द इस्चियल स्पाइन, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द इस्चियल स्पाइन ये फिर मीडियली और फॉरवर्ड मूव करता है और ब्लेस ऑफ द ब्लैडर में जाके इंसर्ट हो जाता है। तो ये पूरा कोर्स है यूरेटर का जो अपन को ध्यान रखना है जरूरी। अलॉन्ग दिस कोर्स, इस पूरे कोर्स में मैंने जैसा कि बात किया था, जनरली तो जो डायमीटर है यूरेटर का वो 3 मिलीमीटर्स है, लेकिन इस पूरे कोर्स में 3 ऐसे पॉइंट हैं जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस जहां पे यूरेटर में मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हो पहला कंस्ट्रक्शन एज सून एज
पेल्विस, रीनल पेल्विस जो है वो एंड हो रहा है और यूरेटर प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, ये फिगर में मेंशन्ड यूरेटर प्रॉपर, तो उसके पहले एट द पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन अपने को मिल रहा है. फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज फाउंड एट पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन. देन सेकेंड कंस्ट्रक्शन लेवल फाउंड जहां पे पेल्विक ब्रिम के लेवल पे जहां एंटर कर रहा है यूरेटर पेल्विस में, तो एट द लेवल ऑफ द पेल्विक ब्रिम हमें सेकेंड कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है. फिगर में भी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, देख सकते हो कि ये कितना नॉर्मल यूनिफॉर्मली चल रहा है. फिर पहला कंस्ट्रक्शन तो यहाँ है, फिर यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड्स रन किया, और दूसरा कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो यहाँ एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम, देन पेल्विस में एंटर किया हुआ है, और थर्ड कंस्ट्रक्शन जैसा कि फिगर में देख सकते हो एट द यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन, यानी दैट पार्ट ऑफ यूरेटर एंटर्स द बेस ऑफ द ब्लैडर, वहां पे तीसरा कंस्ट्रक्शन जो है दैट इज नोन एज यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन. ये तीन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन यूरेटर में जनरली मिलते हैं. अब रिलेशनशिप का बात करें तो वो बहुत ही क्लियरली इस फिगर से रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हो. ये एंटीरियर रिलेशंस बता रहे हैं अभी एब्डोमिनल पार्ट का, तो एंटीरियर रिलेशंस अगर एब्डोमिनल पार्ट के यूरेटर की बात करोगे तो पहले रीनल पेल्विस का बात कर लेते हैं. तो इस फिगर में साफ दिख रहा है रीनल पेल्विस में एंटीरियरली वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूनम, एंड इन केस ऑफ राइट यूरेटर, ये राइट यूरेटर नीचे फिगर में देख लो, ये राइट यूरेटर, दिस इज लेफ्ट यूरेटर, एंड इन केस ऑफ राइट यूरेटर वी हैव एंटीरियरली द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम, एंड अलॉन्ग विथ इट जो यहाँ फिगर में नहीं दिख रहा है दैट इज द रीनल वेसल्स. रीनल वेसल भी एंटीरियर रिलेशन में रहेंगी. साथ ही साथ लेफ्ट यूरेटर की बात करोगे रीनल पेल्विस के रिलेशन की, तो यहाँ पे भी एंटीरियरली रीनल वेसल्स रहेंगे. उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज एंड ऑयल्स ऑफ द जेजुनम भी एंटीरियर रिलेशन में देखने को मिलेगा. उसके बाद जब हम नीचे मूव ऑन करते हैं यूरेटर प्रॉपर की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम जो है वो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम इज इन रिलेशन विद द राइट यूरेटर एंटीरियरली. देन वी हैव राइट कॉलिक वेसल्स. राइट कॉलिक वेसल जो है दिस इज अ ब्रांच ऑफ, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल है एंड दिस इज इंफीरियर मेसेंट्रिक वेसल. तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल से ब्रांच राइट कॉलिक वेसल्स हैं, और राइट कॉलिक आर्टरी, अगर सिर्फ आर्टरी की बात करोगे तो आर्टरी है, वेन्स का भी बात करोगे तो वेसल्स का मतलब जहां वेसल्स पड़ते हो वहां ये जान के चलो या मान के चलो कि आर्टरी और वेन्स दोनों का बात किया जा रहा है. सो इन दिस केस राइट कॉलिक वेसल्स जो है वो एंटीरियरली रिलेशन में हो गए. उसके साथ साथ इलियो कॉलिक वेसल रिलेशन में आ गए, एंड देन राइट गोनाडल वेसल्स जो है जो डायरेक्टली एओर्टा और इंटीरियर वेना कावा, एओर्टा से राइट गोनाडल आर्टरी ओरिजिनेट होता है एंड इंटीरियर वेना कावा में गोनाडल वेन्स ड्रेन करता है. सो राइट गोनाडल वेसल्स भी एंटीरियर रिलेशन में है, एंड लास्टली रूट ऑफ द मीजेंट्री. रूट ऑफ द मीजेंट्री अपन ने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड पेरिटोनियम एंड स्मोल्ड्स में अच्छे से डिस्कस कर रखा है क्लास रूम में. सो दीज फाइव विल बी द एंटीरियर रिलेशन ऑफ एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द राइट यूरेटर. और अगर लेफ्ट यूरेटर का बात करें तो एंटीरियर रिलेशन में प्रॉपर यूरेटर प्रॉपर के बात करते हैं, तो फर्स्टली वी हैव लेफ्ट कॉलिक वेसल्स जैसे कि राइट कॉलिक वेसल्स था, देन वी हैव द सिग्मोइडल वेसल्स, एंड देन वी हैव द लेफ्ट गोनाडल वेसल्स, एंड लास्टली वी हैव सिग्मोइड मीजोकोलोन. सिग्मोइड मीजोकोलोन इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच कवर्स द सिग्मोइड कोलोन. सो ये चार जो है वो एंटीरियर रिलेशन में लेफ्ट यूरेटर के एंटीरियर रिलेशन हैं एब्डोमिनल पार्ट के. तो ये नंबर न्यूमेरिक इसलिए कर रखा है फिगर में ताकि इजी रहे रिमेम्बर करना, याद रखना. पोस्टीरियर रिलेशन एब्डोमिनल पार्ट के ही अगर यूरेटर का बात करें तो पोस्टीरियर रिलेशन में ये फिगर सिर्फ इसलिए कि ये देख सके आप यूरेटर का पोज देख रहे हो, तो पोस्टीरियरली वी हैव द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टीब्रीज, स्पेशली L2, L3, L4 एंड L5 जो लोअर फोर लंबर वर्टीब्रीज हैं उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस आप देख सकते हो कि पोस्टीरियर रिलेशन में साफ दिख रहे हैं. उसके अलावा पोस्टीरियर रिलेशन जो है वो यहाँ पे इस फिगर में आ जाओ आप, तो यहाँ देख सकते हो लेफ्ट फिगर में कि आपके पास ये सोवास मसल दिख रही है, सोवास मेजर, ये दिस इज किडनी, और ये यूरेटर जो है आपको ट्रेस कर सकते हो, और ये पीछे ही इसके दिस इज सोवास मेजर मसल. सो राइट सोवास एंड लेफ्ट सोवास, तो सोवास मेजर मसल पोस्टीरियर रिलेशन में रहेगा. सो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द L2, L3, L4, L5 वर्टीब्री एंड सोवास मेजर मसल, और साथ ही साथ जेनाइटो फीमोरल नर्व भी जो इस फिगर में यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो भी पोस्टरली दोनों ही राइट एंड लेफ्ट यूरेटर के रिलेशन में
रहता है. सो पोस्टीरियर रिलेशंस अगर याद रखने हैं तो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ L2, L3, L4, L5 और टीम्बरी, जेनाइटो फीमोरल नर्व एंड सोवास मेजर मसल्स. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आज अभी इतना ही रखते हैं एंड उसके बाद अभी हम जो रिलेशंस हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं. अभी हम पेल्विक रिलेशन का बात करेंगे. जब यूरेटर पेल्विस में एंटर करता है तो पेल्विस में मेल में रिलेशन एंड फीमेल में अलग अलग डिफाइन करेंगे. देन ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक्स एंड नर्व सप्लाई अलॉन्ग विद क्लिनिकल, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन डील करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.